गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथ्स क्लास ऑफ क्लास फिफ्थ एंड द चैप्टर इज लार्ज नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग लार्ज नंबर्स के बारे में यानी कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे अप टू नाइन डिजिट्स। सबसे पहले किसी भी नंबर को जानने के लिए, समझने के लिए, उसे रीड करने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझना एसेंशियल है। प्लेस वैल्यू सिस्टम दो तरह के होते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है, जबकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में तो पीरियड्स हैं, तो फर्स्ट पीरियड जो है वो थ्री प्लेस का होता है, थ्री डिजिट का होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तीनों एक ही पीरियड में है, वंस पीरियड। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तीनों वंस वाले पीरियड में है। उसके बाद थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स पीरियड में, लैक्स, टेन लैक्स, लैक्स पीरियड में, करोड़, टेन करोड़, करोड़ सारे पीरियड में। इट मींस फर्स्ट पीरियड थ्री डिजिट का, उसके बाद जितने ही पीरियड्स हैं वो टू डिजिट्स के। अब अगर कोई नंबर हम लेते हैं 5972831 95, चलिए अगर हमें इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में लिखना है तो पहले हम इसको सेपरेट करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये पीरियड हमने अलग कर लिया, फर्स्ट पीरियड थ्री डिजिट का है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये वंस पीरियड में है, तो ये थ्री डिजिट को हमने अलग सेपरेट कर लिया। ये कौन सा पीरियड है, वंस पीरियड। इसके बाद पीरियड कौन सा है, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स, ये एक अलग पीरियड हो गया, थाउजेंड्स पीरियड, ये लैक्स एंड ये करोड़। फर्स्ट पीरियड थ्री डिजिट का है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद जो भी पीरियड्स है वो सभी टू डिजिट्स के हैं, तो फर्स्ट पीरियड थ्री डिजिट का, उसके बाद जो भी पीरियड है वो टू डिजिट्स के हैं। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, नाइन करोड़ सेवन लैख, सॉरी नाइन करोड़ सेवेंटी टू लैख 83,195। अगर इन्हें आपको वर्ड में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, 9,72,00,000 83,000। जब भी कोई कंपाउंड नंबर लिखिए तो बीच में आप हाइफ़न जरूर देंगे, 195। अगर इसी नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, एक्सपेंडेड तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करना क्या होता है कि जितने भी डिजिट्स आप देख रहे हैं सबका अलग अलग प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो नाइन कौन से प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 9 करोड़। इसके बाद सेवन कौन से प्लेस पर है, तो सेवन है 10 लाख प्लेस पे, 1,10,100,000,10,000,000, 10 लाख, तो सेवन 70 लाख। टू कौन सा प्लेस पे है, लाख प्लेस पे है, तो 2 लाख। एक 10,000 प्लेस पे है, 80,000। 3,000 प्लेस पे है, 3,000। 100 प्लेस पे है, 9 टेंस प्लेस पे है, और 5। और उस तरह से कॉमा भी आपको
देना है ताकि हर नंबर में जो है पीरियड सेपरेट होना चाहिए ताकि कोई भी देख के समझ जाए कि भाई ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा। अगर 9 का प्लेस वैल्यू ये है, 7 का प्लेस वैल्यू ये है, 2 का प्लेस वैल्यू ये है ना, तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जितने भी पीरियड्स होंगे वो सभी 3 डिजिट्स के होंगे, जैसे 1s, 10s, 100s, ये तीनों एक ही पीरियड में है। कौन सा पीरियड में? 1s वाले पीरियड में। फिर 1000s, 10000s, 100000s, ये कौन सा पीरियड है? 1000s पीरियड। उसके बाद मिलियंस, 10 millions, 100 millions, ये मिलियंस वाला पीरियड। तो इस तरह से जितने भी पीरियड्स हैं वो सभी 3 डिजिट्स के होते हैं। इसके बाद मिलियंस के बाद बिलियंस, उसके बाद ट्रिलियंस, इस तरह से होता है। चलिए हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। 9 7 2 8 3 1 9 5। तो जब यहाँ जब भी कॉमा दे रहा है तो हर कॉमा 3 डिजिट पे होगा क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम लिख रहा है। 1s, 10s, 100s, चलिए कॉमा यहाँ पर गया, 1s, 10s, 100s, उसके बाद 1000s, 10000s, 100000s, उसके बाद मिलियंस, 10 millions, चलिए और डिजिट इसमें हम ऐड कर देते हैं 4, चलिए एक और डिजिट ऐड कर देते हैं 5। देखिए ये कौन सा प्लेस पीरियड हो गया? 1s। ये कौन सा पीरियड हो गया? 1000s। ये कौन सा पीरियड हो गया? मिलियंस। और ये पीरियड जो भी रहेगा वो बिलियंस, अगर 3 डिजिट और होता तो उसके बाद ट्रिलियंस, इस तरह से। अगर मैंने वर्ड में लिखना होगा तो ऐसे पढ़ेंगे, इसे पहले 5,497,283,195। इस तरह से इंडियन सिस्टम में फर्स्ट पीरियड 3 डिजिट का, उसके बाद जो भी पीरियड होंगे वो 2 डिजिट्स के होंगे। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जितने भी पीरियड्स होंगे वो सभी के सभी 3 डिजिट्स के होंगे। देखिए मैं ये वर्ड में लिख देता हूं, 5,479,283,000
टेन मिलियंस, सेवन मिलियंस, टू हंड्रेड थाउजेंड, एट टेन थाउजेंड, थ्री थाउजेंड प्लेस पे है, वन हंड्रेड प्लेस पे है, नाइन टेन्स प्लेस पे है एंड फाइव वन्स प्लेस पे है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के फाइव डिजिट्स सेम तरह से चलते हैं। से यहां तक आपने देखा होगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम है, वन्स, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। और यहां पे यहां इंटरनेशनल में हंड्रेड थाउजेंड हो गया लेकिन इंडियन में लाख। तो ये दोनों जब भी आप इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे तो दोनों सिस्टम के हिसाब से पीरियड्स के हिसाब से आपको बीच में कॉमा डालना है, सेपरेट करना है। पीरियड्स को सेपरेट जरूर कीजिए ताकि जब आप नंबर लिखें तो लोग समझ जाए कि आपने कौन से सिस्टम में इसे लिखा है और उन्हें पढ़ने में सुविधा हो। अब एक यहाँ पे आज के चैप्टर रूप में है सक्सेशन एंड प्रीडिसेसर। कोई भी डिजिट नंबर अगर आप लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं, सपोज हम यहाँ पर 10,000 मैं लिखता हूँ। और प्रीडिसेसर क्या होता है, अपने प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, प्रीडिसेसर एंड सक्सेशन। जो बिफोर नंबर है 10,000 के बिफोर जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका प्रेडिसेसर होगा। अगर बिफोर नंबर आपको निकालना है तो इसमें से आप वन माइनस कर लीजिए, 10,000 का प्रेडिसेसर लिखना है, 10,000 का प्रेडिसेसर लिखना है तो इसमें से वन माइनस कर देंगे तो 9,999। और सक्सेशन लिखना है तो इसका आफ्टर नंबर लिखना है, 10,000 प्लस 10,001। It means predecessor means before number and successor means after. तो आई होप आप इतना काम आप कर लेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से किसी नंबर को रीड करना और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से किसी नंबर को रीड करना। जब भी आपको बताया जाए कि आप नंबर के किसी नंबर को रीड करें या वर्ड में लिखें तो आप पहले ये चूज कर लें कि आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। और अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू सिस्टम, आप पहले पीरियड सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद आपके माइंड में ये होना चाहिए, उसके बाद आप रीड कीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो वो भी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह से। सक्सेसर और प्रेडिसेसर की यहाँ पर बात आती है, अगर किसी भी नंबर का सक्सेसर आपसे पूछा जाए तो आप आफ्टर नंबर लिख दीजिए वन ऐड करके, और प्रेडिसेसर पूछा जाए तो आप बिफोर